गोपालगढ़ में भाजपा की चिंतन बैठक का आज दूसरा दिन है। बीएल संतोष, अरुण सिंह, सतीश पुनिया, चंद्रशेखर, ओम माथुर समेत कई नेता यहां शामिल होंगे। राजस्थान का सियासी किला फतह करने की रणनीति बन रही है। तो आपको बता दें, आज दूसरा दिन इस बैठक का है। कुंभलगढ़ में भाजपा की चिंतन बैठक का दौर जारी है, क्योंकि कल भी ये बैठक हुई थी और आज भी ये बैठक होनी है। दूसरा दिन है और इस दौरान आपको बता दें, बीएल संतोष, अरुण सिंह, सतीश पुनिया, चंद्रशेखर, ओम माथुर समेत प्रमुख नेता शामिल होंगे। क्योंकि अब मेवाड़ में जिस तरह उपचुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर ये रणनीति बनेगी। कौन कौन से नाम हो सकते हैं, उनको लेकर ये मंथन होगा, विचार होंगे किस तरह से जो रूट लेवल है उस रूट एरिया पे और मजबूत हुआ जाए, उसको लेकर ये विचार। क्योंकि कल भी ये बैठक हुई और उस बैठक में भी लगातार बातचीत संगठन को मजबूत करने की, सत्ता को मजबूत करने की, कि आखिर बीजेपी जो है किस तरह से आगे वाले चुनाव में जो है मजबूत हो सकती है, आने वाले चुनाव को लेकर ये बैठक। और हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि ये बैठक अब शुरू होने वाली होगी, कितने बजे बैठक शुरू होगी, साथ ही साथ कौन कौन इस दौरान? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट है कि भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जो हैं वो रवाना हो गए। अब इस बैठक में अरुण सिंह, सतीश पुनिया, चंद्रशेखर, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ समेत तमाम प्रमुख पदाधिकारी और नेता हैं जिन जिन को यहां पर बुलाया गया था। मुख्य जो मकसद था, उस मकसद को लेकर 5 सत्र हुए, इसीलिए कल मैराथन सत्र हुए, क्योंकि बीएल संतोष की व्यस्तता थी। एक पूरा दिन उन्होंने दिया, यानी कहे तो 1.5 दिन दिए। परसों वो आए थे, कल पूरा दिन रुके और देर रात तक संवाद, बैठकों और मंत्रणाओं का दौर चलता रहा, चिंतन बैठक चलती रही। और ओवरऑल यदि इस चिंतन बैठक का सार निकाल कर देखा जाए तो उन्होंने एक मैसेज दिया, वो मैसेज बेहद महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि कोई ये ना सोचे कि उसे मांगने से कुछ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी बिना मांगे भी सब कुछ देती है। संभवतया उनका इशारा उत्तराखंड को लेकर रहा है, संभवतया उनका इशारा गुजरात को लेकर रहा या अन्य राज्यों को लेकर रहा। जिस तरीके से चौंकाने वाले नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आए हो, या फिर कई बार मंत्री भी ऐसे बने जो वाकई में चौंकाने वाले रहे थे, तो इस तरीके का इशारा रहा। तो दूसरी तरफ सियासी इशारा जो है वो सभी को कर दिया। यदि कोई सोचता है कि वो मंत्री बनेगा या फिर मुख्यमंत्री बने, चेहरा हो या उनके कोई समर्थक सोचे, तो इस तरीके की बात नहीं है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी दोनों के चेहरों पर चुनाव होंगे, इस तरीके का इशारा था। हालांकि ये कहा नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात उन्होंने कही कि भाजपा ही अपने आप में पार्टी है, कमल के फूल के ऊपर ही चुनाव है, कमल का फूल ही चेहरा है, इस तरीके का मैसेज दिया। और कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़ा रहे और स्ट्रांग करे बूथ को, पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी, उसे लेकर भी उन्होंने कुछ टिप्स दिए कि किस तरीके से पन्ना प्रमुख जो है अपने आप को स्ट्रांग रख सके, पार्टी के कार्यकर्ता को पकड़कर रख सके और पार्टी की रीति नीति के साथ जोड़कर रख सके। आज की जो बैठक है वो शुरू हो गई है, आज की चिंतन बैठक का दूसरा दिन है। दूसरे दिन में 3 सत्र होंगे और शाम को तमाम जो नेता हैं वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे और 2 दिन की जो बैठक है ये समाप्त हो जाएगी। हमारे साथ हमारे यहाँ के कुंभलगढ़ के जो स्थानीय पत्रकार हैं, कुंभलगढ़ के रिपोर्टर हैं, शंभु हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। शंभु, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आज, इनका कुछ जानकारी मिली? हो सकता है सर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जो कल इनकी मीटिंग हुई है उसके बारे में मीडिया को जानकारी दें कि इनकी क्या बात हुई है, ऐसी सूचना आ जा रहा है कि यहाँ की कुछ समस्याएं हैं, वो भी लोगों ने भाजपा के नेताओं को बताया कि उठाएं, यहाँ की कुछ समस्याएं भी हैं क्या? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की सड़क की। यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उनको इतनी परेशानी होती है रोड की वजह से कि वो समस्या जो है प्रमुखता से यहाँ के लोगों ने उठाई है। तो यहाँ की कुछ समस्याएं भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने उठाई जब वो कुंभलगढ़ दौरे पर गया, अवलोकन किया कुंभलगढ़ दुर्ग का, कि यहाँ पर सड़क की बड़ी भारी परेशानी है और अन्य जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो उठाई कि इन मुद्दों को भी उठाया जाए। हालांकि ये लंबी समस्याएं हैं और कुंभलगढ़ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि सर्वाधिक संख्या में टूरिस्ट आते हैं। यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो राजस्थान में इस वक्त सबसे टॉप डेस्टिनेशन माना जा सकता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिजॉर्ट है और नेचर के बेहद करीब
है और एक तरीके से इसे उत्तराखंड या हिमाचल का मिनी भाग कहा जाए तो इसमें कोई संशय नहीं होगा, पूरा पहाड़ी इलाका है, हरा भरा है। हालांकि इस बार बारिश कम हुई है। जैसा आप बता रहे हैं कि पहले सत्र की मीटिंग जो है वो शुरू होगी, ये मीटिंग अभी शुरू हो चुकी है, दो सत्र और होने, कब कब ये सत्र होंगे, साथ ही क्या नामों को लेकर भी मंथन किया जाएगा क्योंकि अब उपचुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर भी रणनीति बनेगी? देखिए मेघा, ये जो बैठक है ये संगठनात्मक बैठक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ संगठन को लेकर बात होती है कि संगठन को स्ट्रांग कैसे किया जाए। और इस बैठक में सिर्फ संगठन को लेकर बातचीत की गई कि जिनमें संगठन के विभिन्न कार्यक्रम आते हैं, भारतीय जनता पार्टी संगठन के अलग अलग कार्यक्रम चलाती है, उन कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होती है और कार्यकर्ता निर्माण को लेकर चर्चा होती है। राजनीतिक बैठक जो होती है, नामों को लेकर चर्चा होती है, वो अलग से बैठक आयोजित की जाती है, उस बैठक में तमाम चीजें होती है, नैतिक तौर पर चर्चाएं होती है, जातिगत संतुलन बिठाए जाते हैं, तमाम तरीके की बातें होती है। लेकिन यहां पर इस बैठक में और खूबी यही रही कि अक्सर इस तरीके के जो कार्यक्रमों में पोस्टर्स बैनर्स बहुत दिखते हैं, क्योंकि बीएल संतोष का दौरा था, वो संघ से आते हैं और संघ से उनको बड़ा दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी में दिया गया है, तो ऐसे में यहाँ पर पोस्टर बैनर्स कोई ज्यादा संख्या में नहीं दिखे, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई दिए, जो अक्सर होता है कई कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में पोस्टर बैनर लगा दिए जाते हैं, अपने अपने नेता के फोटो लगा दिए जाते हैं और पोस्टर बैनर्स के जरिए मैसेज दिया जाता है। यहाँ पर कुछ एक इक्की दुक्की जगहों पर जरूर लगाए, लेकिन कुछ बड़ी संख्या में इस तरीके का कुछ नहीं देखा गया, क्योंकि संगठन का की पूरी चिंतन बैठक थी। यहां पर अब आगामी तैयारियों को लेकर रणनीति बनी है, अब देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद जो रणनीति बनी है उसका धरियावद में और वल्लभ नगर में कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल पाता है या फिर आगामी दिनों में मिल पाता है, क्योंकि यहां पर वोट प्रतिशत भी देखना होता है कि कितने वोट मिले और पिछली बार कितने रहे, उससे पिछली बार कितने रहे, कितना की बढ़ोतरी हुई, कितने की घटोतरी हुई, ये तमाम चीजें माइन्यूट लेवल पर देखी जाती है। चलिए तो